वेरिएबल्स वाले एक्सप्रेशंस को हल करेंगे, एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन और टू वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स वाले एक्सप्रेशन सेम ही होते हैं, बस अलग अलग हमें उन वेरिएबल्स को करना होता है। चलिए एक वेरिएबल लेते हैं, सी माइनस ब्रैकेट लिटिल ब्रैकेट फोर माइनस पी लिटिल ब्रैकेट, मीन्स ये ब्रैकेट में है फोर माइनस पी और c बाहर है, बस मौजूद है c इक्वल है 4 के और b इक्वल है 5 के, इसके हिसाब से हमें ये एक्सप्रेशन हल करनी है। तो सबसे पहले जो सवाल है उसको जवाब में लिखेंगे, c माइनस लिटिल ब्रैकेट 4 माइनस b, ओके। सो अब क्या करेंगे, c की जगह पर c की रकम लिखेंगे जो हमें सवाल में दी गई है और b की जगह पर b की रकम लिखेंगे जो हमें सवाल में दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे c है 4, तो इसलिए 4 माइनस की निशानी और लिटिल ब्रैकेट 4 तो वहाँ पर वैसे भी है और माइनस लिखकर b की रकम लिखेंगे, b की रकम है 5। तो अब क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट वाले हैं उनको सुलझाएंगे, मीन्स कि 4 में से 5 को माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, माइनस ऐसे करना है कि 5 में से 4 को करेंगे मगर जो निशानी आएगी वो बड़ी रकम की होगी, जैसे कि 5 बड़ी रकम है उसकी निशानी है माइनस, जैसे कि 4 है उसमें कोई निशानी नहीं है तो मतलब कि यहाँ पर प्लस है और 5 में माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, होता है माइनस, तो हमें ये करना माइनस है तो 5 में ज़ाहिर बात है तो 5 में से ही 4 जाएंगे माइनस होंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 1 बचेगा मगर माइनस का 1 बचेगा इसलिए क्योंकि 5 जो है बड़ी रकम है, बड़ी रकम की निशानी है माइनस, तो इसलिए माइनस होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 1, जुदा करने के लिए हम ब्रैकेट लिखते हैं। तो अब ये जो माइनस बाहर है ब्रैकेट के और ये जो अंदर है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, जो सेम साइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 1। तो अब सिंपली हम इनको प्लस कर देंगे तो इनका जवाब आएगा 5। अब दूसरी एक्सप्रेशन को हल करते हैं, यह है एक्सप्रेशन c माइनस 2 माइनस b, अब यहाँ पर c की रकम है 7 और b की रकम है 5, तो इसलिए इस हिसाब से हम हल करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है, जिसकी रकम जिसमें आएगी उसमें लिख लेंगे और बाकी हम हल कर लेंगे। यहाँ पर सवाल है तो ऐसा ही हम पहले जवाब में लिखेंगे इक्वल देकर c माइनस 2 माइनस b, तो अब c की जगह पर c की रकम लिखेंगे, b की जगह पर b की रकम लिखेंगे, इक्वल c की रकम है 7 माइनस 2 माइनस 5 जो b की रकम है। अब इनको हल करेंगे, पहले 7 में से 2 को माइनस करें या 2 को 5 से माइनस इंटू माइनस करें, तो पहले चलिए 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो हो जाएंगे 5 इक्वल देगा 5 माइनस 5, बाकी बचेंगे 5, तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो वो बचेगा 0, क्योंकि 5 में से जब 5 जाएंगे तो 0 बच जाएगा, मगर हम ऐसे भी करते हैं कि सेम रकम अगर एक प्लस की है और एक माइनस की है, वो कौन सी भी रकम हो मगर सेम हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए इक्वल करके हम 0 लिख लेंगे। कॉल करते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन है 7j प्लस 5 माइनस 8k और j की रकम है 2 और k की रकम है 8, तो इसके हिसाब से हल करेंगे। पहले जवाब में हम सवाल का लिखेंगे जो सवाल है, अब उसको हल करेंगे, 7 और j में कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये मल्टीप्लाई है और 8 और k के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो हम समझेंगे कि ये मल्टीप्लाई है, जो हमें लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 2, जे की रकम यहाँ पर लिख ली और प्लस 5 और माइनस 8 मल्टीप्लाई 8, 8 के बाद k है मल्टीप्लाई लिखकर k की रकम हमने यहाँ पर लिख ली, k की रकम भी 8 ही है। अब इसको हल करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो होगा 14 प्लस 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो हो गया 64, मगर यहाँ पर एक 8 जो है माइनस का है तो माइनस इंटू प्लस हमें पता है कि माइनस ही आएगा, डिफरेंट साइंस जब मल्टीप्लाई होंगी तो नेगेटिव ही आएगी, तो यहाँ पर हम माइनस 64 लिखेंगे और इसके बाद हम 14 को 5 से प्लस करेंगे, 14 को 5 से जब प्लस करेंगे तो वो होंगे 19 और माइनस लिख लेंगे 64। अब यहाँ पर है 19 में से
64 को माइनस करना है, मगर वो तो नहीं हो सकता। तो हमें लाजमी बात है 64 से ही 19 को माइनस करना पड़ेगा, मगर जब वो जवाब आएगा तो वो माइनस बनेगा क्योंकि बड़ी रकम जो है माइनस की है। ओके, सो इक्वल देकर हम माइनस 45 देखेंगे। 64 से हमने माइनस किया 19 को, 45 आ गया, और माइनस की रकम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि बड़ी रकम जो है माइनस की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लर्निंग ट्यूब को। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।